बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू गोभी और मटर है मेरे पास रखे थे, तो मैं मटर का इस्तेमाल कर रही हूँ इसमें। आप चाहें तो नहीं करना चाहें तो मत करिएगा। आपको मेरी वीडियो पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और आगे से आगे वीडियो ज़रूर शेयर किया करें, मुझे बहुत खुशी होती है। तो इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। मैंने आलू लिए थे, आधा किलो मैंने आलू लिए हैं। गोभी लिए मैंने, एक किलो गोभी ली है। मैंने गोभी को अच्छी तरह वॉश कर लिया था और मैंने इसको काट लिया साफ करके। टमाटर लिए मैंने एक पाव के जितने, चार टमाटर लिए थे सर मैंने स्लाइसेस में काट लिए हैं। मटर ली है मैंने एक पाव, मैंने मटर ली थी तो आधा कप से एक कप के दरमियान आप ले सकते हैं। अच्छा, इसमें हरी मिर्च ली मैंने, तीन हरी मिर्च ली थी इस तरह से मैंने काट ली। अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है 1 टेबल स्पून भर के मैंने लिया है, और एक छोटी प्याज ली थी स्लाइसेस में काट लिया। अदरक कटी हुई ली है 1 टेबल स्पून की जितनी, और मैंने साबुत गरम मसाला लिया है जिसमें 8-10 काली मिर्चें हैं, एक दालचीनी का टुकड़ा है, 4 लौंगे हैं, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा है, और ये 2 बड़ी इलायची है, 2 अदरक। ठीक है, इसको मैं मोटा मोटा कूट लूँगी। हरा धनिया मैं आखिर में डालूंगी इसके अंदर, और इसके अंदर नमक लिया 1 चाय का चम्मच, 1 टेबल स्पून भर के मैंने पिसी हुई लाल मिर्चें ली हैं, हल्दी ली है 1/2 चाय का चम्मच, और 1 चाय का चम्मच मैंने पिसा हुआ धनिया लिया है। ऑयल गरम हो गया, इसके अंदर मैंने 1/2 कप ऑयल लिया है। इसके अंदर मैं प्याज हल्की सी गोल्डन करूँगी, तो ये गोल्डन हो गई है। मैं इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी, इसके अंदर मटर डालूंगी, हल्का सा फ्राई करेंगे 1 मिनट के लिए। मटर फ्राई हो गए, अब इसके अंदर मैं आलू डाल देती हूँ और टमाटर भी डाल देती हूँ। तो भी हल्का सा फ्राई करेंगे, थोड़ा सा मसाला पानी डालूंगी थोड़ा सा, ताकि मसाला ना जले। थोड़ा सा मैंने पानी डाला है 2 टेबल स्पून के जितना, अब इसमें मसाला डाल ली हूँ। इसको हल्का सा भूनेंगे, फिर मैं इसमें टमाटर डाल दूँगी। अब इसमें मैं टमाटर डाल देती हूँ, हाँ इसको मैं मिक्स करती हूँ और इसको ढक के मैं रखती हूँ। ये जब थोड़े से इसमें कसर रह जाएगी तो फिर इसके अंदर मैं गोभी डालूंगी। आलू थोड़े से हो जाए 5 मिनट के लिए, फिर मैं इसमें गोभी डालूंगी। डले में 5-6 मिनट हो गए, इसके अंदर मैं अब गोभी डाल दूंगी तमाम। बस इसको मिक्स करेंगे हम, इसको दम पे छोड़ देंगे गोभी गलने तक। 10 मिनट में ही हो जाती है गोभी को, जल्दी गल जाती है। आलू भी हो गई है, गोभी भी हो गई है। अब इसके अंदर मैं ये गरम मसाला मैंने मोटा मोटा कूटा था, और ये अदरक, हरी मिर्चें भी डाल दी मैंने इसमें, और हरा धनिया इसमें डाल के मैं इसको 2 मिनट दम पे रखती हूँ। बस 2 मिनट के लिए आप इसको स्लो में रखना, बस इसको मिक्स करके और मैं डिश आउट करके बताती हूँ। मैंने डिश आउट कर लिया, इसको गरम गरम चपाती के साथ सर्व करें। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।